श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गूगल के बारे में कुछ रोचक फैक्ट। देखिए, किसी के बारे में कुछ नहीं पता हो तो हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, गूगल करो यार, सब पता चल जाएगा। इस लाइन से पता चलता है कि आज की जेनरेशन के लिए गूगल क्या महत्व रखता है। गूगल के बारे में हर किसी को पता है। जब दिमाग में कई तरह के सवाल इकट्ठे हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है तो सबका जवाब एक ही है, गूगल। इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा चुका यह सर्च इंजन हर चीज की पूरी जानकारी रखता है, लेकिन गूगल की खबर कौन रखता है ये तो गूगल पर नहीं पता चल पाएगा। अभी हम आपको गूगल के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। पहले तो बताते हैं गूगल की जो इमेज हमको मिलता है ना, गूगल इमेज के लिए आपको किसी को शुक्रिया कहना पड़ेगा। गूगल के बाकी फीचर्स की तरह गूगल इमेज ऐसे ही अस्तित्व में नहीं आया है, इसके पीछे बहुत रोचक कहानी है। हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने साल 2000 के ग्रैमी अवार्ड समारोह के लिए एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस में जेनिफर की फोटो को लोगों ने इंटरनेट पर इतना सर्च किया, इससे गूगल को आइडिया आया कि इमेज सर्च बनाना चाहिए। सिलेबस के लिए इस पागलपन ने गूगल इमेजेस को जन्म दिया। अभी दूसरी चीज है गूगल का पुराना नाम, आप नहीं जानते होंगे, 100% नहीं जानते होंगे। सोचिए, अपने सवालों के जवाब अगर आपको गूगल की जगह पे बैकरप पर मिलते हैं तो लोग ये कहते हैं यार बैकरप कर लो ना। तो बैकरप नाम था गूगल का इससे पहले। गूगल में जो फील है, गूगल में फील आता है कि वो किसी और नाम में कहा है, वो जो फील है जो नहीं नहीं मिलता है। दरअसल शुरुआत में गूगल का नाम था बैकरप, इसे बाद में बदलकर गूगल कर दिया गया था। googlesex.com, googleporn.com, ये सारे गूगल सारे के सारे गूगल का हिस्सा है। एक बड़े सर्च इंजन के की वजह से गूगल जैसे कई फर्जी साइट्स भी हैं, तो इनसे बचने के लिए गूगल ने इन सबको खरीद लिया ताकि इसके नाम का कोई गलत फायदा नहीं उठा सके। अब ये साइट्स हैं googlesex.com, googlepoo.com, googleporn.com, googlereligion.com, googlesex.com, बहुत सारे google.com है। आपको एक चीज बहुत मैं खास बताता हूं कि एक्चुअली जो गूगल था वो $1 मिलियन में बिकने वाला था। 90 के दशक में एक समय ऐसा भी आया था कि याहू गूगल को खरीदने वाला था, लेकिन उसने ये ऑफर ठुकरा दिया। उस वक्त कोई चाहे भी इस आज की डेट में कोई चाहे तो गूगल को भी खरीद नहीं सकता है। गूगल सारी चीजें खरीद सकता है क्योंकि इस वक्त गूगल की जो कीमत है इट्स मोर देन $5 मिलियन। सबसे बड़ी बात, बकरियां जानते हो, बकरियां, आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल के लॉन जो है, लॉन की जो घास है वो मशीन से नहीं काटी जाती है। गूगल उन कुछ कंपनियों में से है एक है जो पर्यावरण के लिए बाकी MNCs के मुकाबले ज्यादा सजग है। तो गूगल के दफ्तर में घास की लॉन की जो मशीनें इस्तेमाल होती है खुद बकरियां आगे चलती है, और जैसे ही घास दोबारा बड़ी होती है कटाई के लिए बढ़ती है तो ये बकरियां वापस आ जाती है और फिर इन्हें चर के फिर खत्म करके वापस चली जाती है। आपको ये नहीं पता होगा कि स्टीव जॉब्स ने गूगल का लोगो ठीक किया था। एप्पल और गूगल उन पड़ोसियों की तरह है जो सामने तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन पीठ पीछे जमकर बहुत बुराई करते हैं। एप्पल के जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, वो बुराई नहीं करते हैं भाई, बड़े लोग कभी भी बुराइयां नहीं करते एक दूसरे की। एक दिन गूगल के ऑफिस में कॉल आता है कि स्टीव जॉब्स लाइन पर है और गूगल में जो दूसरा जो ओ है वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये उनके आईफोन में दिखने में सही नहीं लग रहा है, और उन्होंने उसे एक इंजीनियर से ठीक करवा दिया। ऐसा कमी होता है कोई इतना बड़ा प्रतिद्वंदी ऐसा करे, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी जब तरक्की कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों को तरक्की के मार्ग दिखाएं। एक कंपटीशन रखो, पर कंपटीशन कैसा कि दोनों तरक्की करें एक दूसरे की वजह से, वैसी कंपटीशन होनी चाहिए। वही है स्टीव जॉब्स और गूगल। धन्यवाद, मैंने आपको गूगल के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं चाहूंगा कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए।
धन्यवाद।